एग्जिस्ट करता है इस मार्केट में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसके बाद अगर ये एग्जिस्ट करता है उसकी क्या वैलिडिटी है, क्या मार्केट में उसकी जगह है आज की डेट में, और गूगल क्या कहता है, क्वाइन मार्केट क्या आप क्या कहती है, इंडस्ट्री क्या कहती है, कहाँ पे हम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आज हम इसके ऊपर इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे। उसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, मैनेजमेंट के बाद उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर यूजेबिलिटी क्या बनी है और उस यूजेबिलिटी का एक आम आदमी को और एक क्रिप्टो को क्या उसका फायदा है, क्रिप्टो इंडस्ट्री को क्या वो सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएगी, और उस जो सोल्यूशन क्रिप्टो इंडस्ट्री को प्रोवाइड होगा वो कितना कितने लोगों के लिए वो होगा और कितना नंबर ऑफ ट्रेड आएंगे और कितना ट्रेड वॉल्यूम आएगा, और वो ट्रेड वॉल्यूम आएगा तो आपको पता है कि मार्केट कैप बनेगी। मार्केट कैप बनेगी तो जितने आपके नंबर ऑफ नोट, जितने आपके सिक्के, जितने आपके क्वाइन मार्केट में पड़े हैं उनको उनसे हम डिवाइड करेंगे तो रेट बनेगा। इन टॉपिक्स पे सारे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आज आप ये देखते हैं कि जेडी क्वाइन एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। आपका स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। अभी स्क्रीन मेरी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही सर, ब्लैक दिख रहा है ना, तो अभी स्क्रीन खोलूंगा तो अभी दिखेगी ना, खोलने तो दो एक बार। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ उसमें, खोलता हूँ स्क्रीन दिखेगी आपको, एक मिनट रुक जाएं। अब दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर। हाँ तो दिखेगी ना, स्क्रीन तो दिखनी थी। तो मैं क्या बात कर रहा था, कहाँ पे अपना एग्जिस्ट करता है। आज आप देखेंगे यहाँ पे क्वाइन मार्केट कैप में, तो सबसे पहले ऑप्शन पे जाएं आप यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि टोटल क्रिप्टो करेंसीज हैं जो सबसे ऊपर जो अब दिखाई दे रहा है, 5,406 जो है वो क्रिप्टो करेंसीज है, और मार्केट्स जो है 21,709 मार्केट्स है। मार्केट्स का क्या मतलब है? मार्केट्स का मतलब है कि पेयर, कितने पेयर मार्केट में है, BTC USD और उसके बाद मान के चलो कि इन उसके बाद अपना ये JDC BTC JDC USD, ये कितनी मार्केट्स, कितने पेयर हैं मार्केट में, और इसकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 250 बिलियन है, 250 अरब, 250 अरब की ये इंडस्ट्री हो चुकी है। 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम 172 बिलियन, 172 अरब है, और ये टोटल है। इन इतनी सारी इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जेडी क्वाइन का क्या हिस्सा है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। आज की रेट में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का जो रेट है वो $8,119 है, और $8,119 रेट फिक्स किसने किया, क्यों ये रेट है, रेट ये है 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम। 49 बिलियन जो है इसका 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम है, और 49 बिलियन ट्रेड वॉल्यूम होने के कारण जो इसकी बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है, जो इसकी मार्केट कैप है वो है 163 बिलियन। अब 163 बिलियन को टोटल सिक्के कितने, टोटल क्वाइन मार्केट में कितने पड़े हैं, टोटल क्वाइन पड़े हैं 1,83,55,012। तो जब 18 मिलियन को 163 बिलियन से आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 8,119। तो मार्केट में रेट जो है वो मार्केट कैप को नंबर ऑफ सिक्कों से डिवाइड करके रेट बनता है, और मार्केट कैप 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम से बनती है कि कितनी एक्सचेंजों पे कितने लोग कितनी ट्रेड कर रहे हैं और कितना आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। उस विश्वास के, उस नंबर ऑफ ट्रेड के दम पर एक तो होता है ट्रेड वॉल्यूम, वो ट्रेड वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ ट्रेड से आया। अगर वो ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड से आता है तो आपकी मार्केट कैप है वो ज्यादा बार मल्टीपल होती है। अगर आपका ट्रेड वॉल्यूम कम उसके नंबर ऑफ ट्रेड से आता है तो आपकी $1,00,000 का आपके पास ट्रेड वॉल्यूम है तो आपकी मार्केट कैप मैक्सिमम 2 लाख ही होगी। अगर आपका ट्रेड वॉल्यूम बहुत सारी 1 लाख का ट्रेड वॉल्यूम 1 लाख नंबर ऑफ ट्रेड से आया है तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग आपको ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो आपकी मार्केट कैप है ज्यादा मल्टीपल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आज ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ 50 मिलियन है, लेकिन जाके जो ट्रेड वॉल्यूम मार्केट कैप है वो 163 हो गई, 7-8 गुना हो गई। किस लिए हो गई, उसका रीजन बीइंग क्या है? उसका रीजन यही है कि नंबर ऑफ ट्रेड काफी सारे वहां पे ज्यादा है। 20 तो हमें चाहिए नंबर ऑफ ट्रेड से चाहिए 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम है तो मार्केट कैप है, मार्केट कैप को डिवाइडेड बाई सर्कुलेटिंग सप्लाई रेट है। तो सेम ऐसे ही अगर जिसकी अब मार्केट कैप भी बन गई, सर्कुलेटिंग और उनके पास ट्रेड वॉल्यूम भी अच्छा है, लेकिन उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ज्यादा तो भी रेट काम आएगा। सेकंड ऑप्शन आप देखें
इथेरियम की 110 मिलियन जो है टोटल सप्लाई है, मार्केट कैप 23 बिलियन है, तो बिटकॉइन से इसका रेट ऑलमोस्ट 6 गुना कम होना चाहिए था। 6 गुना कम होता तो कम से कम $1,300 होना चाहिए था, रेट सिर्फ $200 है, क्योंकि कॉइन बहुत ज्यादा है। वो 1,83,00,000 है, ये 110 करोड़ है, तो वो उन 110 करोड़ को जब आप 23 मिलियन से करेंगे तो रेट 215 ही आएगा। दूसरी तरफ आप रिपल देख लो, रिपल की 22 सेंट है, क्योंकि उसकी मार्केट कैप तो 9 बिलियन है, लगभग 10 बिलियन है, लेकिन उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई 44 बिलियन, 44 अरब है। तो मतलब ये बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट कैप बनाने में ट्रेड वॉल्यूम का। ट्रेड वॉल्यूम बन के मार्केट कैप आ गई, बाद में आपका जो कॉइन है उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे में, इन सारे सर्कमस्टांसिस में जेडी कॉइन कहाँ एग्जिस्ट करता है, आज थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जेडी कॉइन का अगर आज का आप रेट देखें तो लगभग 14.91 सेंट है, तो लगभग 15 सेंट डॉलर लगा लें, ये यूएसडी का इसका है। टोटल सप्लाई अगर आप जेडी कॉइन की देखें तो 84 मिलियन है, टोटल सप्लाई 84 मिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 18 मिलियन है, 18 मिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई, और जो मार्केट कैप है 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम ये बड़ा, और जो मार्केट कैप है वो इसकी 2.73 मिलियन है। तो इसको अगर हम सर्कुलेटिंग सप्लाई से करेंगे तो जो आंसर आएगा, आंसर वो आएगा 0.149, ये रेट आएगा, और कल के मुकाबले आज 2.93% ये ऊपर गया है। तो अगर रैंक देखें तो 618वें रैंक के ऊपर हम हैं, तो हम लोग टोकन नहीं है, हम लोग क्वाइन है। ये येलो पॉइंट देखें आप, जो ये पीला पॉइंट है इसको देखें, हम लोग टोकन नहीं है, हम लोग क्वाइन है। तो अगर हमारा ये हमारा आज मार्केट के अंदर स्टेटस इस टाइम जेडी क्वाइन का है। अगर आप जेडी क्वाइन की वेबसाइट पे जाएंगे, यहीं से आप क्लिक करें जेडी क्वाइन की वेबसाइट, तो ये जेडी क्वाइन की यहाँ पे मार्केट खुल जाएगी। अब जेडी क्वाइन की ये खुलने के बाद आप जाएंगे अबाउट अस में, अबाउट अस में एक ऑप्शन आएगा एक्सचेंजेस, आप एक्सचेंजेस में क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन सी एक्सचेंजों के ऊपर इस टाइम जेडी क्वाइन है। ये क्वाइन मार्केट कैप से हमने खोली है, हमारी नई नहीं खुली, विंडेक्स, कैट ईएक्स, इथरफ्लाई, फैट बीटीसी, ब्लैक सी, क्वाइन बेस्ट और फॉलबरी, इन 4-7 एक्सचेंजों के ऊपर आज की डेट में अपना क्वाइन ट्रेड हो रहा है। और ये इन 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 एक्सचेंजों का क्वाइन मार्केट कैप में और पूरी इंडस्ट्री में स्टेटस क्या है, अब हम वो देखेंगे। हम दोबारा फिर क्वाइन मार्केट कैप पे जाएंगे और इसके आप मेन पेज पे जाएंगे। यहां से मेन पेज के ऊपर आपका जाने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका मेन पेज आ गया, यहां पे है एक्सचेंजेस, आप एक्सचेंजेस पे क्लिक करेंगे तो एक्सचेंजेस पे आएंगी टॉप 100 एक्सचेंजेस एडजस्टेड वॉल्यूम। तो इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो टॉप 100 एक्सचेंजेस हैं वो आज की यहाँ पे दिख जाएंगी कि आज के डेट में नंबर टॉप की एक्सचेंजे कौन सी हैं। तो उनमें आपको दिखेगा तीसरे नंबर की एक्सचेंज है फैट बीटीसी, और आपका क्वाइन आज फैट बीटीसी पे ट्रेड हो रहा है। तीसरे वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की चौथे नंबर की एक्सचेंज है क्वाइन बेस्ट, आपका क्वाइन आज क्वाइन बिस्ट पे ट्रेड हो रहा है। पांचवें नंबर की एक्सचेंज है इथरफ्लाई, आपका क्वाइन आज इथरफ्लाई पे ट्रेड हो रहा है। छठे नंबर की एक्सचेंज है ब्लैक सी, आपका क्वाइन आज ब्लैक सी पे जो है ट्रेड हो रहा है। पहले 10 में से जो वर्ल्ड की पहले 6 नंबर की एक्सचेंजे हैं, पहली 6 में से 4 के ऊपर आपका आज क्वाइन ट्रेड हो रहा है। पहली 6 में से 4 एक्सचेंजों के ऊपर होना कितनी बड़ी बात है, ये आप थोड़ा सा सोच के देखना। अगर आप आज बाइनांस का नंबर देखो तो बाइनांस आज 14वें नंबर पे है, और जिन एक्सचेंजों के ऊपर आपका क्वाइन है वो 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर के ऊपर है। 3, 4, 5 और 6, पहले 6 में से 4 एक्सचेंजों के ऊपर आपका क्वाइन यहीं पे ट्रेड हो रहा है। और बाकी जो दूसरी फॉलगोरी देखें तो आज 29वें नंबर पे चली गई है,
और विंडेक्स देखें तो 35वें नंबर पे चली गई है। तो सारी की सारी सात की सात एक्सचेंजें जो हैं वो मान के चलो कि आपकी ऊपर की टॉप 35 एक्सचेंजों में है, और टॉप 35 वाली नीचे चली गई है, इट्स ओके, बट पहले 10 में से, पहले 6 में से 4 पे होना एक बहुत बड़ी बात है। और आपने अगर देखना हो तो आप यहीं से क्लिक करें, मान के चलो आप फैट बीटीसी पे क्लिक कर दें, मैंने यहीं से फैट बीटीसी पे क्लिक किया तो फैट बीटीसी खुल गई, ये फैट बीटीसी का आ गया, फैट बीटीसी की यहाँ पे आप वेबसाइट पे क्लिक करें तो आपको पता लगेगा कि जेडी क्वाइन आज फैट बीटीसी की उसके ऊपर है। तो ये शायद अब ये मैं आईपैड पे हूँ, ये इसके ऊपर वो मेरी आईपैड के ऊपर ना वो वर्जन नहीं आता अपना, क्या कहते हैं उसको, लैपटॉप वाला, इसमें मोबाइल वाला ही आता है, तो मैं वो लैपटॉप पे खोल के आपको दिखा दूंगा दूसरी बार। तो आपका क्वाइन आज जब मैं अपना अकाउंट दिखाऊंगा तो आपका क्वाइन आज जो है वो यहाँ पे फैट बीटीसी के ऊपर भी ट्रेड हो रहा है। तो फैट बीटीसी लेके किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आपने जाना हो तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो मतलब क्वाइन मार्केट कैप जो कहती है, क्वाइन मार्केट कैप से पूछें तो आप आज सात में से आज आप पहली 6 में से 4 एक्सचेंजों के ऊपर आज आपका क्वाइन पड़ा है। तो वहीं से आप एक्सचेंज से अपने लैपटॉप पे चले जाएं तो आपका जो है ये आपका खुल जाना है। और ये एक आपने देखा कि मतलब आज सबसे पहला जब हम जाते हैं मार्केट के अंदर तो पहला क्वेश्चन 99% जिनको क्रिप्टो का पता है वो यही आपसे पूछेगा क्वाइन मार्केट कैप में है। और क्वाइन मार्केट कैप में होना ये कोई मतलब गारंटी नहीं है कि आपका क्वाइन बड़ा सक्सेसफुल क्वाइन है। क्वाइन मार्केट कैप में आना, आपने 2 एक्सचेंजों पे 3 पे लिस्टेड करवाया, आप क्वाइन मार्केट कैप पे आ गए, स्टोरी इसके बाद शुरू होती है। ये तो मतलब सिर्फ एक ट्रेलर है कि आपने एक क्वाइन बनाया और आपने उसको एक्सचेंजों पे लिस्टेड करवाया, एक्सचेंजों पे लिस्टेड करवा के लोगों को बाई एंड सेल की ऑप्शन आपने दे दी, बाई सेल की ऑप्शन ला के आपका ट्रेड वॉल्यूम आपने कहां से लाना, स्टोरी यहां से शुरू। तो वो ट्रेड वॉल्यूम कहां से आएगा, आज सबसे पहला क्वेश्चन तो जो आपका 99% लोगों का होता है वो यही पे हल है कि हम क्वाइन मार्केट कैप पे भी हैं और क्वाइन मार्केट कैप पे भी अच्छे रुतबे के साथ हैं, टॉप 10 में से पहली 6 में से 4 एक्सचेंजों के ऊपर आज आपका क्वाइन ट्रेड हो रहा है। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये एक बड़ी बात है। मतलब एक छोटी सी एक्सचेंज पे आने के लिए ऐसी तैसी हो जाती है, ये तो फिर वर्ल्ड की टॉप 4 एक्सचेंजों के ऊपर, 7 एक्सचेंजों के ऊपर आप लोग आज ही यहाँ पे। अब ये तो आ गया जेडी क्वाइन सारा कुछ। अब रोमी आप होल्ड हैं क्योंकि मैं अभी इसमें अपना मेरी टैब पे, तो आप अपने लैपटॉप से एक बार, अभी ये आ गया एसओएस, आप स्क्रीन में अपनी बंद करता हूँ, आप स्क्रीन शेयर करें और आप उसके चले जाएं, एसओएस आइडाहो स्टेट टैक्स कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं। रोमी मुझे सुन रहे हो? ठीक है, तो आइडाहो sos.idaho.gov पे चले जाओ। तो अब दूसरी चीज ये बात आ जाती है कि क्रिप्टो को क्वाइन लॉन्च करने के लिए अगर आप एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो इट्स ओके, वही रजिस्ट्रिंग काफी है, लेकिन आपके बैकएंड पे कौन कौन से लोग हैं, कितने लीगल है, आपका मार्केट में क्या स्टेटस है, तो वो जानने के लिए जेडी क्वाइन लिस्ट कहाँ से है। जैसे कल अपने वेबिनार में क्वेश्चन आया था कि सर ये तो ब्राजील से है, तो तुक्का कोई भी मार देता है, अपने तुक्के से जवाब नहीं देना है। जब आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपने एक प्रॉपर वे में जाना है, आपने sos.idaho.gov की जो है ये गवर्नमेंट स्टेट टैक्स कमीशन की, आइडाहो एक यूएसए का स्टेट है, आप सर्च कर लेना, और आइडाहो का ट्रेजरी डिपार्टमेंट की, ट्रेजरी ऑफ स्टेट ऑफिस की ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपने जाना है, बिजनेस सर्विस में जाना है, बिजनेस सर्विस में आपने क्लिक करना है तो आपका ये पेज खुल जाएगा। इसमें गेट स्टार्टेड में जाना है आपने, आपका ये पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपने सर्च में जाना है और यहां पे लिखना है JDCLLC, जेडी क्वाइन LLC। तो आपको ये पता लगेगा कि जेडी क्वाइन जो है वो हमारी एक लिस्टेड कंपनी है और जो लिस्टेड भी यूएसए के आइडाहो स्टेट्स के अंदर है और क्वाइन के नाम पर ही लिस्टेड है, और इसके ओनर मिस्टर जॉन बांगा हैं। 24/4/2018 को ये कंपनी हुई थी
और जहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ वहां पे आप क्लिक करेंगे तो ये साइड में राइट हैंड साइड में ये विंडो खुल जाएगी जिसमें इनका पूरा एड्रेस और टोटली 130 शेनॉन ड्राइव नापा ये इनका एक पोर्टल है। सारी की सारी कंपनीज इनके यहीं पे यहीं से लिस्टेड हैं और इसके अंदर अगर आपने और ज्यादा डिटेल में जाना है तो व्यू हिस्ट्री में चले जाएं तो आपको इनकी पिछले चार साल तक की दो साल तक की 2018 को लिस्टेड हुआ था आपको एनुअल रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ये एनुअल रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कभी भी कर सकते हैं और इसके अंदर भी ओनर आपको दिखेगा कि मिस्टर जॉन बांगा साहब है। एक जॉन बांगा साहब नाम याद रखें, इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं बताऊंगा कि जॉन बांगा साहब का हमारी इस जेडी क्वाइन की एक लिस्टिंग के बाद जो हमारा अपना अगला हमारा पार्ट आएगा वो मैनेजमेंट आएगी तो मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे कि जॉन बांगा साहब कौन है। तो ये इनकी एक जो इन्होंने स्टेट टैक्स कमीशन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में अपनी बैलेंस शीट जो लास्ट टाइम दी है उसका ये सर्टिफिकेट है। कहां से निकलेगा आपने देख लिया, इसके अंदर देखें ओनर कौन है, शैनन ड्रापा सारा वो जो का है, दीपक प्राशर जी हैं, जॉन बांगा जी हैं। तो ये दीपक प्राशर और जॉन बांगा जी कौन है ये भी अपन डिस्कस करते हैं बहुत जल्दी। तो अब रोमी आप अब खोलें एक बार, ये तो एक कंपनी लिस्टेड है जहाँ पे इनका बैंक अकाउंट है, एज ए क्वाइन हमारे पास अभी क्या हमारे पास लीगलिटी है तो वो चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे यूएसए की फिनसंग के ऊपर, फाइनेंशियल एनफोर्समेंट जो इनकी अपनी नेटवर्क है, जो इनके फाइनेंशियल क्राइम इंफोर्समेंट नेटवर्क जो यूएस ट्रेजरी की एक यूएसए गवर्नमेंट की एक फाइनेंशियल बिजनेसेस को रजिस्ट्रेशन का जो एक ऑफिस है एक वेबसाइट है हम उसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर हम जाएंगे अब सर्च के ऊपर, सर्च करें रोमी इसके ऊपर हम सर्च के ऊपर जाएंगे। जैसे ही सर्च पे जाओगे तो ये पेज खुल जाएगा, इसमें आप अब डालेंगे बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका डाल के आप सर्च करेंगे, अगर आपने कोई बैंक भी बनाना है तो बैंक को भी जो लाइसेंस है, और या बैंक ऑफ अमेरिका मैंने वैसे ही डाल दिया, आपको किसी यूएसए की बड़ी कंपनी का नाम पता हो तो वो आप डाल के देख लें, वर्ल्ड की यूएसए की हर एक कंपनी यहां से लिस्टेड आपको मिलेगी। तो फिनसंग का लाइसेंस होना बड़ा जरूरी है और जो इनके पास फिनसंग के पास जो एक्टिविटी है इसके पास वो 409 है। हाईलाइट करें 409 को रोमी, ये चीज आप नोट करें, ये 409 क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 409 जो है ये एक्टिविटी है और ये इसका जो है सर्टिफिकेट है। और उसके बाद आप जाएं रोमी बैक जाएं सर्च में जाएं दोबारा से, अभी जेडी क्वाइन के बिना दो क्वाइन और हैं, रिप्पल और फेसबुक। फेसबुक का लिब्रा आ रहा है और रिप्पल आ रहा है। रिप्पल ऑलरेडी लिस्टेड है यूएसए के अंदर, तभी यूएसए के बैंक भी उसकी ब्लॉकचेन जो है वो यूज करते हैं क्योंकि लीगल होना चाहिए आपको अगर आपने सभी एक बैंकिंग सेक्टर में भी जाना है। तो आप सर्च करेंगे इसको यहाँ पे XRP डाल के, तो XRP डालेंगे तो रिप्पल LLC, रिप्पल पेमेंट LLC, पहले इनका रिप्पल LLC के नाम पर था, फिर इन्होंने ऐड किया रिप्पल LLC क्योंकि इनके पास पहले कैटेगरी फिर सिर्फ 409 थी, लेकिन बहुत जरूरी है 499 भी इसमें ऐड करनी, तो इन्होंने ऐड की है 499 बाद में जाके। तो इसकी ऐड करने की भी डेट आपको मिल जाएगी, रोमी डेट 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 एक्सप्लेन करें, डेट शो करें, हाईलाइट करें। तो ये लिस्टेड हुआ है 12/20 को, 12 दिसंबर 2018 को ये क्वाइन लिस्ट हुआ है और उन्होंने अमेंडमेंट किया जाके फरवरी 2020 में, अभी एक महीना डेढ़ महीना पहले, तो 409 ये लेके आए। अभी यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारा क्या स्टेटस है, तो यहीं पे जैसे मैंने रिप्पल डाला, फेसबुक डाल लें या पेपल डाल लें, कोई भी जितनी भी बड़ी कंपनियों के आप नाम जानते हैं जो यूएसए से लिस्टेड है उनको ये लाइसेंस लेना बड़ा जरूरी है। अगर अब हम यहाँ पे डालेंगे जेडी क्वाइन, तो आप जेडी क्वाइन LLC देखेंगे आप, और जेडी क्वाइन LLC की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट देखेंगे हम, या हमने ये भी साथ के साथ देखेंगे हमारे पास एक्टिविटीज कौन सी हैं। एक्टिविटीज हमारे पास है 409 और 499, ये क्या है मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। और इनकी हमारी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो रजिस्ट्रेशन डेट है 21 मई 21 मई 2018
और वो रिपल और फेसबुक लिस्ट हुए हैं दिसंबर में। हम लोग 2018 जो है मई के अंदर ही वहां पे लिस्ट हो गए थे और हमारे पास एक्टिविटी है 409 और 499। हमारा आज तक की ये तो रजिस्ट्रेशन है, आज तक का सर्टिफिकेट, आज तक हम लीगल है या नहीं है। तो रोमी एक बार वो डाउनलोड कर दो। जेडी कॉइन एलएलसी पे जाके हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे, जहां पे जेडी कॉइन एलएलसी लिखा है, क्लिक किया तो नीचे ये फॉर्म खुल गया। तो इसमें फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी आ गया, एमबीबीएस रजिस्ट्रेशन सर्च आ गया। तो इसके अंदर आप सारा देखेंगे, डिक्लेयर करेंगे सारा, थोड़ा छोटा करके सारा पूरा पेज शो कर दो। तो ये इसके अंदर आज की इसकी डेट सब कुछ टिल डेट तक ये वैलिड है, जिस दिन भी खोलेंगे उसी दिन की ये डेट दिखाएगा, आज तक भी ये वैलिड है। मतलब आपका क्वाइन अकेला क्वाइन मार्केट कैप में नहीं है, क्वाइन मार्केट कैप के बिना भी अगर वहां पे है तो 100% लीगल और 100% बैकअप के साथ है। और ये फिनसंग का बैकअप कितना बड़ा है, अभी एक बार एमएसबी की लिस्ट दिखा दें कि जो कैटेगरीज है 409 और 499 का मतलब क्या है। ये यहाँ पे एमएसबी सर्विसेज लिखा था की लिस्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें 409 देखेंगे, तो हाईलाइट कर दो मनी ट्रांसमीटर, तो ये आ जाएगी मनी ट्रांसमीटर। तो मनी ट्रांसमीटर की पैसे का लेन देन आप कर सकते हैं, और सबसे नीचे दी हुई है 499, और 499 का मतलब है कि अदर्स, पैसे के लेन देन के बिना, पैसे के लेन देन वाले बैंकिंग के बिना, पैसे के लेन देन वाला क्रिप्टो या रिलेटेड कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, अदर्स आपके पास आ जाती है। तो आपके पास इन सब के बिना भी कुछ है तो वो भी आ जाता है। तो आप ये दो एक्टिविटीज अपने पास हैं, तो ये लोग हमारी प्रेजेंटेशन में नहीं है, ये वेबसाइट के आप नोट कर लें, आप खुद भी जाके देख सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम एक क्वाइन मार्केट कैप में एक टॉप रैंक के ऊपर आज हैं, हमारे पास जो इतनी 7 बड़ी एक्सचेंजें हैं उसके बिना हमारा बैकअप जो लीगल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और हम यूएसए से 100% एज ए क्वाइन, क्वाइन के नाम पर लिस्टेड है, किसी कंपनी के नाम पर लिस्टेड नहीं है। हमारा बैंक अकाउंट भी क्वाइन के नाम पर है, सब कुछ वहां पे हमारा क्वाइन के नाम पर पड़ा है। अभी अगर अब हम जाएंगे कि इन पूरे पूरे के पूरे वेल्स फागरो, तो अभी हम जाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर, रोमी मैनेजमेंट के ऊपर जॉन बांगा, दीपक प्राशर और वो भूपेंद्र सर की फोटो पड़ी है आपके पास, वो एक बार डिस्प्ले कर दो। एक बार वो दिखा दो तीनों जनों की पिक्चर। तो सर सबसे पहले तो क्वाइन की अपनी आगे की क्वाइन मार्केट कैप में इस इंडस्ट्री में अपना क्या स्टेटस है, और उसके पास अपने पीछे बैकअप कौन सी रेगुलेटरी बॉडी का है। तो सीधा सीधा यूएसए, यूएसए बाइनेंस शुरू हो रही है, यूएसए की लीगलिटी अभी तक बाइनेंस से पूरी नहीं हुई, अभी चंद दिनों में एक आधे महीने के अंदर अंदर बाइनेंस का एक स्वरूप और आ जाएगा जो यूएसए बेस्ड होगा। यूएसए बेस्ड अभी बाइनेंस आ रही है और अपना क्वाइन बाइनेंस पे भी लिस्टेड है, लेकिन बाइनेंस पे लिस्टिंग ना होने का कारण जेडी नहीं है, उसका जिम्मेवार बाइनेंस है, क्योंकि बाइनेंस अभी तक यूएसए गवर्नमेंट ने जो लीगलिटी मांगी है वो वहां की लीगलिटी पूरी नहीं कर पाई। जिस दिन भी वो लीगलिटी पूरी करती है तो पहले जो 100 क्वाइन लॉन्च होंगे उनमें से एक जेडी क्वाइन हम लोग आपको जल्दी ही बाइनेंस पे भी दिखेंगे, और अगले एक दो दिन में 8वीं एक्सचेंज एक और सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज आ रही है, तो उसके ऊपर भी हम लोग जल्दी दिखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि इसके ओनर्स कौन है। रोमी आपने डेस्कटॉप पे फोटो सेव नहीं की थी, तो फोटो रोमी किधर गई। हाँ तो ये जो तीन ओनर हैं हमारे, ये तीनों ही इंडियन हैं, लेकिन 30-35 साल से ये लोग जो हैं यूएसए में रह रहे हैं। पहले हैं अपने जॉन बांगा सर, दूसरे हैं भूपेंद्र सिंह जी, तीसरे हैं दीपक प्राशर।
कोई भी कंपनी आप देखेंगे, हमारी जेडी क्वाइन या कुछ भी आपको आगे जो मैं आगे शो करने वाला हूँ, सब कुछ आप देखेंगे तो वो सभी का सभी रिलेटेड इन तीनों लोगों से है। आपने जेडी क्वाइन LLC में देखा, आपने फिनसंग के सर्टिफिकेट में देखा, दो नाम थे वहां पे, एक नाम था जॉन बांगा जी और दूसरा नाम था दीपक प्राशर और भूपेंद्र लोग हैं जो इस पूरे कंसेप्ट के पीछे हैं, जो एक्टिवली इस पूरे कंसेप्ट को हैंडल कर रहे हैं, जो इनके पीछे दिमाग है वो भूपेंद्र सिंह जी का है। भूपेंद्र सिंह जी सारी लीगलिटी, सारी मार्केटिंग, सारा कुछ इसका जो है वो हैंडल कर रहे हैं एज ए CEO। तो ये तीन लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट के पीछे पूरे लेवल पे हैं, और आपने सर्टिफिकेट्स में नाम देखा। अब इन तीनों लोगों की मार्केट में क्या पहचान है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप अभी जाएंगे, हम LinkedIn देखो, एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, कोई भी बंदा LinkedIn पे जो डालता है वो 100% सच होता है, उसमें ब्लफ नहीं आप मार सकते कि मैं ये हूं और मैं ये नहीं हूं। तो LinkedIn आपको पता है कि मोदी सर का, ट्रंप का, पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब ट्विटर और LinkedIn के ऊपर जो प्रोफाइल है वो सर्च की जाती है। तो आप LinkedIn के ऊपर जाके जॉन बांगा सर को सर्च करेंगे तो आपको जॉन बांगा दिखेगा। तो जॉन बांगा के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे LinkedIn पे, गूगल में जाके जॉन बांगा डाल दें तो LinkedIn की प्रोफाइल आ जाएगी। तो ये कोई लिंक की जरूरत नहीं है, आप खुद डाल लें वहां पे। तो आप देखेंगे कि जॉन बांगा सर जो हैं वो वाइस चेयरपर्सन ऑफ रोडवे ओनर एसोसिएशन, मैनेजिंग ओवर 450 रोडवे होटल प्रॉपर्टीज इन यूनाइटेड स्टेट, नाइपा आइडाहो, एंड जेडी क्वाइन उन्होंने साथ यहाँ पे लोगो पहले साथ दिया हुआ है। तो एक रोडवे इन होटल की चेन है USA में, और उसके 450 होटल हैं। 450 होटल की रोडवे की पूरे अमेरिका की चेन के वाइस चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन होना कि 450 प्रॉपर्टीज को जो मैनेज करता है उसके वाइस पर्सन चेयरपर्सन जो जॉन बांगा सर हैं। नीचे आए इनके क्या क्या प्रोफाइल्स हैं मैं और भी दिखाता हूं आपको। मैनेजिंग पार्टनर जो है जेडी क्वाइन के हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज उनके नाम पर हैं तो जेडी क्वाइन पे भी वो फ्रंट पे, ऐसा नहीं है कि मतलब उनकी प्रोफाइल कुछ और है और लुके छुपे किसी और के नाम पर जेडी क्वाइन डाल दिया। आगे नीचे चलें, बिजनेस ओनर ऑफ, स्क्रॉल डाउन, बिजनेस ओनर ऑफ नापा इन एंड सूट्स जो ये है आइडाहो हो के अंदर ही एक होटल है, एक 3-स्टार होटल है और 3 साल से है, और इस होटल के भी जो 100% ओनर है वो जॉन बांगा सर है। आगे चलें, नीचे तीसरे नंबर पे है स्नेशरी, स्नेशरी के भी ये पार्टनर है। स्नेशरी एक वर्ल्ड का इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का, एक वर्ल्ड का टॉप 10 का पहले 10 में ये पोर्टल आता है, और उस पोर्टल के भी ये जो है ये पार्टनर है पिछले 3 साल से। तो मतलब आज भी है स्नेशरी एक बहुत बड़ा लैंग्वेज लर्निंग का प्रोग्राम है, जो बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आप आ जाते हैं नंबर 4 पे, US Business World के भी ये ओनर हैं। और US Business World क्या है, एक बार ये पॉइंट स्पेशली आप नोट करें, स्नेशरी और US Business World, स्नेशरी हमारी वो कंपनी है जिसकी हम जो है जिसके हम पैकेजेस सेल करते हैं अपने जेडी क्वाइन के अंदर, और US Business World वो कंपनी है जो हमारे लिए मार्केटिंग करती है, जो आपको जो है मार्केटिंग कंपनी है आपकी, जो हमारे लिए मार्केटिंग करती है, जिसमें हमारे कमीशन, डायरेक्ट, बाइनरी, पैकेज सेलिंग सारी आती है। और जो स्नेशरी है, स्नेशरी के हम लोग पैकेज बेचते हैं, स्नेशरी के पैकेज बेचते हैं, मार्केटिंग कंपनी US World है और हमारा प्रोडक्ट जेडी क्वाइन है। स्नेशरी का, US Business World का और जेडी क्वाइन के सभी के एक ही ओनर है, जॉन बांगा और भूपेंद्र जी सर। तो अभी ये उसके बाद हम नीचे चलेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है अपना बिजनेस ओनर रोडवे इन सूट्स नापा, एक रोडवे इन सूट्स होटल और है नापा के अंदर, उसके भी ये बिजनेस ओनर है। और नीचे भी अगर आप देखेंगे एक्सपीरियंस इनका, मतलब एक ह्यूज एक प्रोफाइल है। और अपना एक वाइस चेयरमैन रोडवे इन, ये सारी की सारी इनकी जो है, अब बिजनेस ओनर रोडवे इन बॉयसिस एयरपोर्ट के पास एक रोडवे इन है, उसके भी मालिक हैं। तो वाइस चेयरमैन रोडवे इन एसोसिएशन के भी 8 होटल हैं जिनको ये ओन करते हैं, भूपेंद्र सिंह और दीपक प्राशर और जॉन बांगा सिंह। आप तीनों में से किसी की भी प्रोफाइल देखोगे तो सब में ये चीज आपको दिखेगी। सेम प्रोफाइल आप भूपेंद्र सिंह सग्गू सर की भी देख सकते हैं। तो एक बार भूपेंद्र सिंह सग्गू को बता दें।
भूपेंद्र सिंह सग्गू जी बेसिकली अमृतसर से हैं, लेकिन अभी यूएसए में ही रहते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे, मुनव्वर भाई एक मैं जूम मीटिंग में हूँ, एक घंटे बाद कॉल करता हूँ। तो अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे इनकी प्रोफाइल भूपेंद्र सिंह जी की, शुरू से एक बार ऊपर आना रोमिक, तो सभी की आप देख लें। भूपेंद्र सिंह जी पीएचडी हैं, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह इसलिए किया जाता है, ह्यूमैनिटी के ऊपर इन्होंने पीएचडी की हुई है। तो एशिया पैसिफिक के जेडी क्वाइन जो है, एट जेडी क्वाइन के अंदर भी जो है ये अभी सीईओ हैं। अबाउट इनकी एजुकेशन आप सारी देख लें, बीसीए, एमसीएससी, सीसीएनए, तो ये सारी की सारी इनकी जो है एक इनकी क्वालिफिकेशंस हैं। अब बिजनेस ओनर के बारे में आ जाएं तो स्क्रॉल डाउन करें, एक्टिविटी में अगर आप एक्सपीरियंस देखें तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जीप सैड के अंदर है। जीप सैड क्या है, अभी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में कि हमारी मैनेजमेंट के एसेट्स क्या हैं, इन एसेट्स ये कहां पे ऑथेंटिकेट है, इन एसेट्स की वैल्यू कहां पे है, जीप सैड की क्या मार्केट में वैल्यू है। मैंने बोला सनेश्री वर्ल्ड का टॉप 10 लेवल का अगर वही रहने दो रोमी, एक बार वही रहने दो बात। मैंने अगर आपको बोला कि वर्ल्ड का टॉप 10 लैंग्वेज लर्निंग पोर्टल है अपना सनेश्री, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। अगर यूएस बिजनेस वर्ल्ड 10 साल पुरानी कंपनी है, वो आज भी लीगल है और ये लोग उनके डायरेक्टर हैं, वो हमें कैसा पता चलेगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह जी जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, इसके भी अपना क्या कहते हैं जीप सैड के अंदर भी डायरेक्टर हैं। तो जीप सैड एक जो है यूएसए की टॉप 10 एड की कंपनियों की एक कंपनी है, और कोका कोला भी जो उसका है एक क्लाइंट है। पूरे कोका कोला की एलसीडीज के ऊपर जितनी एड पूरे यूएसए में होती है, सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट जीप सैड के ऊपर है, और जीप सैड यूएसए की टॉप 10 एड की कंपनियों में से एक है, और भूपेंद्र सिंह जी उसके भी ऑनर है। हम जीप सैड के भी पैकेजेस बेचते हैं, और मार्केटिंग किस में करते हैं, यूएस बिजनेस वर्ल्ड में। यूएस बिजनेस वर्ल्ड क्या है, सनेश्री क्या है, और ये अपनी जीप सैड क्या है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सीईओ है जेडी क्वाइन के, फुल नाम आ गया जेडी क्वाइन, फुल टाइम नीचे आ जाए तो इसके भी इन्होंने बताया, चेयरमैन है सनेश्री के भी। तो मतलब भी जितनी भी कहने का ये मतलब हुआ, ये सब कुछ आपको दिखाने का कि यह कोई मार्केटिंग कंपनी है, चाहे किसी का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, चाहे जेडी क्वाइन बेचा जा रहा है, पांच ये चाहे आठ होटल हैं, 8 से 10 मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक ग्रुप है, और सभी चीजों को ऑन यही करते हैं, और इवन मार्केटिंग कंपनी के ओनर भी यही है। तो ये इनकी प्रोफाइल है। उसके बारे में अगर आप, उसके बाद ये कनेक्शन बना कि जेडी क्वाइन की लीगलिटी क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि जेडी क्वाइन के पीछे कौन से लोग हैं। अब क्वाइन मार्केट कैप पे आ गया, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, ये पार्ट अपना क्लियर हो गया। क्वाइन मार्केट कैप पे आके अब हमें चाहिए वहां पे ट्रेड वॉल्यूम। वो ट्रेड वॉल्यूम कहां से आएगा, वो लाने के लिए मैनेजमेंट हमने देखा बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब उस स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के पास जो उसकी कंपनीज है उनका क्या स्टेटस है, और उन कंपनी से वो टेक्नोलॉजी क्या डेवलप कर रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है अपने क्वाइन का रेट बढ़ाने के लिए, वो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल है अपने क्वाइन का रेट बढ़ाने के लिए, अब हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। उस टेक्नोलॉजी से नंबर ऑफ ट्रेड कहां से आएंगे, तो अब हम चेक करेंगे। उसके बाद यूएस बिजनेस वर्ल्ड, यूएस बिजनेस वर्ल्ड का क्या स्टेटस है। आप फिर आइडाहो स्टेट टैक्स कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पे हमने जेडी क्वाइन चेक किया था, वहीं आइडाहो स्टेट टैक्स कमीशन की वेबसाइट पे हम डालेंगे यूएस बिजनेस वर्ल्ड, वो भी फास्ट। तो यूएस बिजनेस वर्ल्ड अगर आप एलएलसी सर्च करते हो तो आपका वही पेज दोबारा खुल जाता है, ओनर आपको दिखेंगे जॉन बांगा। ये वो कंपनी है जिसके अंदर हम एंट्रियां लगाते हैं, आईडियां लगाते हैं, आपको डायरेक्ट आएगा, आपको बाइनरी आएगी आपकी मार्केट, और इसके ऊपर क्लिक करें रोमी ब्लू जहां पे लिखा हुआ यूएस बिजनेस वर्ल्ड एलएलसी के ऊपर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये निकल आएगा यूएस बिजनेस वर्ल्ड एलएलसी। इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी इसकी 10 साल की बैलेंस शीट आ जाएगी। ये नीचे व्यू हिस्ट्री में दिया हुआ, व्यू हिस्ट्री के अंदर अगर आप जाके इसको डाउनलोड करते हैं तो इसकी जो है बैलेंस शीट 10 साल की पड़ती है। इन 10 साल की बैलेंस शीट में किसी एक पे क्लिक कर दें, किसी भी एक पे जिसपे आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो आपको ये इसकी एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी।
एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप इसकी डाउनलोड करना चाहे तो आप खुद कर लें। ये नेट से आपने कैसे निकालनी है आपको सिखा दिया गया, नीचे ये डाउनलोड हो रही है फाइल, ये फाइल डाउनलोड होगी तो ये इनकी बैलेंस शीट कंप्लीट आ गई। इसके अंदर आ गया कि ओनर कौन है इसके, इसके अंदर कौन, जॉन बांगा सर क्या है, इनका क्या नाम है, भूपेंद्र सिंह क्या है, तो जॉन बांगा और भूपेंद्र सिंह दोनों, जो अब जेडी क्वाइन के ओनर दोनों, स्नेशरी के ओनर भूपेंद्र सिंह जी और जीप सैड के ओनर भूपेंद्र सिंह जी, और यहाँ पे जो कंपनी आपको कमीशन देती है उसके भी ओनर वही जॉन बांगा और भूपेंद्र सिंह। मतलब कोई लोचा नहीं है कि प्रोफाइल किसी की यूज करके और मार्केटिंग कंपनी किसी और कंट्री से और बंदा कोई पीछे और, फोटो किसी की दिखा दो, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो भी है फाइनल है और 10 के 10 साल की, वो हमने 2020 की खोली थी, अब आप ये खोल लो 13/9/2010 की कब इसने खोल दी है, तो 2010 की भी बैलेंस शीट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मतलब ये सारी चीजें गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे पड़ी हैं जो अपने पास नहीं है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे अब चेक करेंगे तो इसके बाद दूसरा आप यहीं पे चेक कर सकते हैं इसको, ये किया हमने जीव सेट को भी आप यहाँ देख सकते हैं, स्नेशरी देख सकते हैं, पहले स्नेशरी दिखा दी, थोड़ा सा एक मिनट आप रोमी बोले, सिर्फ एक ना मैं मैसेज है मैं उसका रिप्लाई कर लूं, जीप साइड के बारे में थोड़ा सा आप एक सेकंड बताएं, बस एक सेकंड में मैं आ जाता हूं। वो वियतनाम वालों का है ना नेक्स्ट वेबिनार, वो बार बार तंग कर रहा है और उसको मेरे को रिप्लाई भी जो करना पड़ता है वो वियतनामी में कन्वर्ट करके करना पड़ता है, दे डोंट नो इंग्लिश, दे डोंट नो हिंदी, दे डोंट नो पंजाबी, दे नो ओनली नो वियतनामीज एंड वी नीड टू टॉक विद देम ओनली इन वियतनामीज। रोमी एक्सप्लेन करें थोड़ा आप, व्हाट इज जीव सेट। हेलो गुड आफ्टरनून, सो एता जीव सेट का हिस्ट्री आप देख सकता है, इधर देखिएगा तो आपको यू कैन सी द डेट 22/2020, दो महीने हो गया, दो महीने से ज्यादा हो गया एक कंपनी लीगली रजिस्टर होके, और इधर हिस्ट्री पे आके इधर क्लिक करेगा तो आप हिस्ट्री देख सकता है, तो हिस्ट्री में आके आपको बस हो गया, फ्री रोमी हो गया, तो अगर रोमी हो गया प्लीज म्यूट योर माइक, आई एम रूम। तो अगर आप देखें तो ये कंपनी जो है पिछले 6 साल से लिस्टेड है, और इसकी भी अगर आप लेटेस्ट डेट तक की अगर आप देखना चाहें इसकी बैलेंस शीट, तो सेम वो प्रोसीजर है जैसे आपको पहले दिखाया, आप निकाल सकते। तो 6 साल पुरानी ये कंपनी जीप साइड है, और यूएसए की टॉप 10 जो कंपनियां हैं जो ऐड करती हैं, जो प्रमोशन करती हैं ऐड की कंपनियों में से टॉप 10 की, और कोका कोला तक भी जो है इनका क्लाइंट है। आगे प्रेजेंटेशन आएगी कोका कोला की, वो मैं प्रेजेंटेशन भी आपको इसमें दिखा दूंगा। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे यूएस बिजनेस वर्ल्ड सर्च की, अब आपने जीप साइड सर्च की, ऐसे ही हम लोग स्नेशरी भी अब सर्च करेंगे, फटाफट स्नेशरी सर्च कर दो रोमी। तो अगर आप देखेंगे ये स्नेशरी एजुकेशन सेम यहाँ से आप उठाएंगे, और आपने आइडाहो पे वहां पे जाना है, और ये सेम प्रोसीजर आपने वहां पे ये दिखाना है। तो स्नेशरी जो है आपकी एक कंपनी है जो वर्ल्ड की टॉप, यूएसए की टॉप 10 कंपनियों में से एक है, कोका कोला भी जिसका एक क्लाइंट है। कोका कोला का नाम हम इसलिए देते हैं कि सभी लोग जानते हैं, वैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और भी हैं जिनकी ये सारा कुछ देखते हैं, इसकी भी एनुअल रिपोर्ट सारा कुछ वहां पे पड़ा है, आप लोग आप चेक कर सकते हैं, वही प्रोसीजर है, डाउनलोड करेंगे वही करेंगे सारा कुछ। तो अभी क्या हुआ कि हमारा जो कंपनी है, हमारी कंपनी जो है वो जेडी क्वाइन है, जेडी क्वाइन की मैनेजमेंट हुआ है, मैनेजमेंट का क्या पोर्टफोलियो है आपने वो देखा, अब जो हमारा क्वाइन है क्वाइन कहाँ पे लीगल है हमने वो देखा, अब जो क्वाइन की इसमें भी देखें मालिक सारे आपको वही दिखाई देंगे, अब क्वाइन कहाँ पे लीगल है वो देखा, मैनेजमेंट का क्या स्टेटस है वो देखा, अब मैनेजमेंट जिस कंपनी के अंदर मार्केटिंग करती है आपकी उसके ओनर कौन है वो सेम है जो आपको दिखाया, और मार्केटिंग कंपनी आपकी 10 साल पुरानी कंपनी, ऐसा नहीं है कि आज आपसे पैसे इकट्ठे करने के लिए आज कंपनी बनाई और मार्केट में आ गए, वो मार्केटिंग कंपनी प्रोडक्ट किसके बेचती है, वो बेचती है स्नेशरी के और वो बेचती है जीप सेड के, जीप सेड स्नेशरी क्या है वो भी आपको आपने दिखाया। इतनी लीगलिटी, इतनी बड़ी चेन एक बिजनेस की, ग्रुप ऑफ कंपनीज की, आज तक वर्ल्ड में कोई कंपनी इतनी लीगलिटी बिटकॉइन भी नहीं दिखा सकता कि वो कहां से लिस्टेड है।
आपके पास ये सारा कुछ है। अब ये इस सारे कुछ के साथ कैसे ये इफेक्टिव है, कैसी टेक्नोलॉजी है इनके पास, इन सारी चीजों से हम लोग क्वाइन का रेट कैसे बढ़ाएंगे, अभी हम ये भी बात डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये भी हम बात डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास जो इसकी टेक्नोलॉजी है, दो तरह उस टेक्नोलॉजी के ऊपर दो तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। एक तो देखो जितने भी क्वाइन मार्केट में इंडिया के खास तौर पे जितने भी MLM वाले क्वाइन आते हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि उनको यही नहीं पता कि यूजेबिलिटी और यूटिलिटी क्या होती है, उनको यही नहीं पता कि यूजेबिलिटी और यूटिलिटी क्या चीज होती है। वो क्या करते हैं, किसी भी पोर्टल से, मेक माई ट्रिप से या yatra.com से एक API ली, अपने उस पे लगाई, उनको पैसे दिए, जब तक उनके पास पैसे पड़े हैं वो आपके क्वाइन से आपको टिकटे वीजे दे देंगे, जब उनके पैसे खत्म हो गए तो वो आपको नहीं देंगे। ये आप अपने क्लाइंट को एक फैसिलिटेट कराते हो, ये यूजेबिलिटी नहीं है, ये यूटिलिटी है। यूजेबिलिटी होती है कि आपकी टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री को क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, वो सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करवाए हैं। माई क्रिप्टो बैंक है उनमें से एक सोल्यूशन, अभी एक स्लाइड खुली थी माई क्रिप्टो बैंक की, मैं स्लाइड दिखाता हूं आपको। तो ये है हमारा माई क्रिप्टो बैंक। तो माई क्रिप्टो बैंक एक 20 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख का, 20 मिलियन हो गया $2 करोड़, $2 करोड़ हो गए 140 करोड़। तो ये एडवांस 10 महीने पहले सिक्योरिटी देनी पड़ती है, 6 महीने बाद आपका नाम अप्रूवल होता है और 1 साल के बाद आपको प्रॉपर लाइसेंस मिलता है। एक बैंक का, ट्रेडिशनल बैंक का लाइसेंस है जेडी क्वाइन के पास, और इस बैंक के अंदर आप USD के साथ साथ, आप रुपयों के साथ साथ 12 टॉप क्रिप्टो करेंसियां भी इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप 12 टॉप क्रिप्टो करेंसियां इसको डिपॉजिट करते हैं, इनका बैंक का आपको ये डेबिट कार्ड मिलता है, वीजा डेबिट कार्ड मिलता है, और ये चलता है हर एक उस ATM में जो ATM वीजा कार्ड को एक्सेप्ट करता है। और आपकी 12 क्रिप्टो करेंसियां, इनका बैंक का लाइसेंस वो भी USA से है, और इनकी एक्सचेंज, इनका क्वाइन वो भी USA से है। तो इनका पीछे जैसे ही आप करेंसी इनके अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, उतना फंड आपके यहाँ पड़ा उतना फंड ये हैज कर देते हैं। आपने 10 बिटकॉइन कराए तो 10 बिटकॉइन 9000 के आ जाए तो आपका $90,000 नहीं होगा, वहां पे 10 बिटकॉइन जमा हो गए। जिस दिन आप बिटकॉइन, उतने ही बिटकॉइन आपके जमा रखते हैं, जिस दिन आप बिटकॉइन में से कुछ पैसे विड्रॉल करवाओगे, वो उस दिन जितने का है उतने का आपका बिकेगा, कम हो गया तो कम में बिकेगा, ज्यादा हो गया तो ज्यादा में बिकेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को 15 से लेके 60 सेकंड के अंदर अंदर किसी भी ATM से कैश की तरह आप पूरे वर्ल्ड में विड्रॉ कर पा सकते हैं, क्योंकि पीछे सर्च इंजन, मैचिंग इंजन और हेजिंग, इन्होंने प्रॉपर टीम है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, प्रॉपर लीगलिटी है पीछे। तो ये फैसिलिटी आपको एक क्रिप्टो की दुनिया को ये इन्होंने नहीं दी है, जो हमारे लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल है, जो इसमें ट्रांजेक्शन फी है, जो ट्रांजेक्शन फी लगेगी वो 100% जेडी क्वाइन में कटेगी। आपको 12 क्रिप्टो करेंसियों के साथ जेडी क्वाइन भी, इसमें अगर आपने क्रिप्टो करेंसी करनी है तो पहली शर्त ही है कि जेडी क्वाइन में डिपॉजिट करवाओ। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, एक तो यहाँ पे होल्डिंग होगी जेडी क्वाइन की, और दूसरी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में जितनी फी कटेगी जेडी क्वाइन से कटेगी, वो भी ट्रांजेक्शन आपके आएंगे। अब बाइनेंस इट क्यों हुई, BNB टोकन लॉन्च कर दिया, आप ट्रेडिंग करो, आपका कमीशन आधा लगेगा अगर आपके पास BNB पड़ा है। तो लोगों ने ना चाहते हुए BNB लिया, एक टोकन था, शुरू होके आज कहां का, जीरो से शुरू होके $35-40 पर पहुंच गया। तो वो उन्होंने एक्सचेंज को दिया, उन्होंने इंडस्ट्री को सोल्यूशन दिया, हमने, हमारी इस मैनेजमेंट ने पूरी इंडस्ट्री को बैंक ही दे दिया, डेबिट कार्ड ही दे दिया। तो कोई भी जेडी क्वाइन बंदा करे ना करे, हर एक बंदे की जरूरत, हर एक बंदे की इंडस्ट्री की मजबूरी पैदा कर देगा ये बैंक आने के बाद। फिर दूसरा, इनके पास इनकी सबसे बड़ी एक टेक्नोलॉजी आ रही है GNP, GNP जियोमेट्रिक, खोलना एक बार। तो GNP टेक्नोलॉजी क्या है, ये मैथमेटिक्स के ऊपर जो इसके GNP टेक्नोलॉजी, जिन्होंने अभी ये टेक्नोलॉजी बनाई है, वो है मिस्टर डॉक्टर जी ब्राउन। एक्स नासा के साइंटिस्ट हैं, 10 साल USA गवर्नमेंट के साथ काम किया है, आजकल न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, और वो लाइव मैन है, हम लोग काफी बार उनसे मिले भी हैं, मेरे साथ उनकी वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं, मैं शायद इसी इवेंट में मैं आपको अभी शो भी कर दूंगा। और उसके बाद उन्होंने एक GNP टेक्नोलॉजी बनाई है। GNP टेक्नोलॉजी क्या है, किसी भी साइज की कोई भी फाइल,
जीएनपी जियोमेट्रिकल नेटवर्क प्रोसेसिंग पर्टिकुलर, तो इनके इन्होंने जो दिया आप पढ़ सकते हैं क्या मेथड है इसमें, क्रिएटिंग क्या है एक्सक्लूसिव 9 to 30 करेक्टर आइडेंटिटी जीएनपी कोड, मतलब एक उस फाइल को इन्होंने कोड दे दिया चाहे वो 1 GB की हो चाहे 1 लाख GB की हो, उसकी कोडिंग कर देते हैं 9 से 30 अंक में और वो एल्गोरिदम उनके लैपटॉप में है, उस एल्गोरिदम ने उस फाइल को नंबर दे दिया 9 से 30 तक का, और वो 9 से 30 तक का आप इंडिया में बैठे हैं, आपने फाइल मुझे सेंड करनी है, मैं कनाडा में हूँ, मैं अभी दुबई में हूँ, सॉरी कनाडा नहीं, मैं अभी दुबई में हूँ, आपने दुबई मुझे ये फाइल सेंड करनी है, तो कैसे फाइल सेंड होगी, वो 9 से 30 डिजिट आप पेपर पे लिखेंगे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट भी नहीं, आप अपना लैपटॉप बंद कर दें, आप अपने लैपटॉप को मतलब बिल्कुल तोड़ दें, आप उसको उसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी ना रहे, आप ये 9 से 30 डिजिट मुझे पेपर पे लिख के भेज दें, आपके पास आपकी शादी की या किसी फिल्म की पूरी वीडियो आपने मुझे भेजी है जो पहले मार्केट में नहीं पड़ी, वो 9 से 30 डिजिट से मेरे पास अपने आप रीजनरेट हो जाएगी। आप कोई भी किसी भी लेवल की फाइल किसी को भी दे सकते हैं, इसको कहते हैं जीएनपी टेक्नोलॉजी। इसके ऊपर गूगल माइक्रोसॉफ्ट काफी समय से काम कर रहा था लेकिन किसी के पास ये नहीं थी, ये जनरेट किया है, ये पैदा किया है डॉक्टर जी ब्राउन ने, और डॉक्टर जी ब्राउन टेक्निकल डायरेक्टर है, वो जेडी कॉइन के बिना किसी को देते नहीं। ये टेक्नोलॉजी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के साथ इनका टाई अप हुआ है 30 बिलियन का, 30 अरब डॉलर का, और वो टाई अप कभी आप नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे तो मैं आपको शो भी कर दूंगा, दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बात है, गूगल का नाम यूज होता है, और लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट उसमें मैं दिखाऊंगा, और इन्होंने मतलब उनके साथ इनका एक टाई अप हुआ है, और वो टाई अप जो है कि इसके ऊपर 55 डैप आएंगे। पहले एंड्रॉयड के ऊपर जितने भी एंड्रॉयड एक टेक्नोलॉजी है लेकिन आज उसके ऊपर लाखों ऐप है, ऐसे ही जियोमेट्रिक प्रोसेसिंग एक टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर लाखों ऐप बन सकती है। 55 इन्होंने ऐप बनाए हैं, ऐप जो आप गूगल के ऊपर ऐप यूज करते हो वो ऐप है, उसमें आपका डाटा सिक्योर नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और व्हाट्सएप के जितने भी सारी चीजें हैं वो सिक्योर नहीं है, आपके नंबर आपकी डिटेल आपका ईमेल सब कुछ उसके गूगल के पास पड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट के पास पड़ा है। लेकिन डैप जो है, डैप का मतलब है डिसेंट्रलाइज ऐप, डिसेंट्रलाइज ऐप का मतलब है क्रिएट जीएनपी टेक्नोलॉजी पे किए लेकिन उसके अंदर जब आप यूज कर रहे हो तो आप उसको कमर्शियल यूज कर रहे हो, जो उसके अंदर डाटा वो सिर्फ आपको पता है, जिसने वो क्रिएट किया उसके पास वो लीक आउट नहीं होता। तो ये पूरे वर्ल्ड को नई टेक्नोलॉजी देने वाला जेडी क्वाइन के डॉक्टर जी ब्राउन है, और इसकी जितनी भी मार्केटिंग होगी सिवाय जेडी क्वाइन के नहीं होगी। किसी को भी परचेज करना है तो माई क्रिप्टो बैंक से या कहीं से भी जेडी क्वाइन पे करोगे तो ये आप जो है जीएनपी करवा सकते हो, और इनकी मैं अपनी स्नैप्स भी आपको दिखाऊंगा डॉक्टर जी ब्राउन के साथ, और आप लोगों को भी बहुत जल्दी मिलवाएंगे, और आपको मिलने का मौका मिलेगा 30 अक्टूबर को, और 30 अक्टूबर के लिए कौन कौन से लोग क्वालिफाई करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। 30 अक्टूबर को क्या है वो रोमी एक बार दिखा दें, व्हाइट पेपर छोड़ें, व्हाइट पेपर सेंड कर देंगे बाद में, ये देख सकते हैं आप, सीधा चले जाएं उसके ऊपर गूगल में जाके लंदन सबमिट सर्च करें। अब लंदन सबमिट में ऐसा क्या है, लंदन सबमिट है क्या, वो कैसे इफेक्टिव है जेडी क्वाइन को हिट करने के लिए, तो लंदन सबमिट जो है वो ब्लॉकचेन का पूरे वर्ल्ड का एक जो लीगल एक पूरे वर्ल्ड में पूरे जहां पे एक सबमिट होता है, वो इस बार जून में था, अभी मई में ही था, अभी अपना क्या कहते हैं लंदन में, तो कोरोना के कारण 21 अक्टूबर को उन्होंने कर दिया है, और 20 और 21 अक्टूबर को कर दिया है, और ओलंपिया लंदन के अंदर ये ब्लॉकचेन सबमिट है। इसके अंदर कौन कौन आ रहा है आप लोग एक बार देखें, इसके अंदर कौन कौन आ रहा है, रिप्पल जो 200 बैंकों की वर्ल्ड की तीसरे नंबर की करेंसी और 200 बैंकों को जो ब्लॉकचेन प्रोवाइड करवाता है स्टैंडर्ड, उसके बाद कौन कौन आ रहा है, रोमी एक बार रोके यार क्यों इतना मूव कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उसके बाद कौन कौन, आईएनजी वैश्या, उसके बाद कौन आता है, एचएसबीसी बैंक, बैंक ऑफ प्लस की वर्ल्ड के 45 बैंक और टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने क्रिप्टो को या टेक्नोलॉजी को कुछ दिया है जो ब्लॉकचेन से रिलेटेड है वो सारी की सारी यहां पे हैं। और इसमें एक नाम नीचे करें, एक नाम आएगा आपको दिखेगी एक फोटो, भूपिंदर सिंह। क्यों मिली भूपिंदर सिंह को जगह इस ब्लॉकचेन सबमिट में, इन 45 बैंकों में और इतने बड़े दिग्गजों के सामने खड़ा होने के लिए, क्योंकि भूपिंदर सिंह ने डॉक्टर जी ब्राउन के साथ मिलके इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी बनाई है, फोर्थ जनरेशन की ब्लॉकचेन। अभी तक थर्ड जनरेशन की ब्लॉकचेन मार्केट में है, फर्स्ट जनरेशन की ब्लॉकचेन है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, जो सिर्फ एक दिन में 5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती,
क्योंकि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का जो साइज है वो 2 MB है, टाइम जो है वो 10 मिनट है, तो 10 मिनट के 144 ब्लॉक की मिलेंगे। कोई आपको आईटी का जानकार, आपका यार दोस्त, रिश्तेदार, पितर, आपका भाई भतीजा कोई हो, उसको पूछना कि 144 ब्लॉक है, 2 MB साइज है, मैक्सिमम कितनी ट्रांजेक्शन नॉर्मल, मतलब इतनी इतनी 2 GB आप इस MB से कर सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि 5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन एक दिन में नहीं कर सकते। अगर आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को एज ए पेमेंट गेटवे यूज करना चाहो तो नहीं कर सकते। अकेली उबर की 13 मिलियन ट्रांजेक्शन रोज होती है, उबर के पास 1 मिलियन गाड़ी लिस्टेड है पूरे वर्ल्ड वाइड, और एक गाड़ी को 13 राइड वो रोज देता है मिनिमम। 13 मिलियन मतलब 1,30,00,000 ट्रांजेक्शन अकेला ऊपर करता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन 2 MB साइज के साथ। 5 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन एक डेट में नहीं कर सकती। आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को एज ए पेमेंट गेटवे यूज नहीं कर सकते। सेकंड जनरेशन की ब्लॉकचेन है इथेरियम की। इथेरियम की ब्लॉकचेन की क्या फंक्शनलिटी है, वो ट्रेडिंग पर्पज के लिए भी बिटकॉइन की तरह यूज होती है, लेकिन उसके ऊपर जिस बंदे के पास अपनी ब्लॉकचेन नहीं है वो अपना टोकन लॉन्च कर सकता है। 5,000 क्वाइनों में से आधे से ज्यादा टोकन है वहां पे। टोकन कौन होते हैं, जिनके पास अपनी ब्लॉकचेन नहीं होती, वो भी क्वाइन मार्केट कैप में होते हैं लेकिन उनके पास कोई अपनी स्ट्रेटजी नहीं है। वो टोकन है जो इंडिया में, पाकिस्तान में, अपनी इन कंट्रियों में लोग MLM कंपनियां आती हैं इथेरियम के साथ 5,000 का ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट करके कहते हैं हम भी टोकन है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, सिर्फ फकिंग है। और उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा किया, कुछ $2 पे, कोई 4 रुपए, कोई 8 रुपए, रोड मैप बनाया, व्हाइट पेपर बनाया, पैसा इकट्ठा किया, ERC-20 कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई टेक्नोलॉजी, कोई रोड मैप, कुछ नहीं है, लॉन्च कर दिया। लॉन्च करके क्वाइन मार्केट कैप में आ गए। क्वाइन मार्केट कैप में जिंदा रहने के लिए 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम चाहिए। अपने को जिंदा रहने के लिए सवेरे ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच और रात को डिनर चाहिए, और रात को प्यास लगती है पानी भी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही क्रिप्टो मार्केट में बी ए सक्सेसफुल क्वाइन आपको 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम चाहिए। आपका महीने के 30 दिन 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम जो है वो है $1 मिलियन, $10 लाख। लेकिन 31वें दिन आपका ट्रेड वॉल्यूम अगर हो गया $1 लाख तो आपका क्वाइन उसी दिन लुढ़क गया, क्योंकि क्वाइन मार्केट कैप की जो मार्केट कैप बननी वो ट्रेड वॉल्यूम से बननी, और वो ट्रेड वॉल्यूम हर रोज चाहिए, और वो ट्रेड वॉल्यूम लाने के लिए आपको कोई ना कोई यूजेबिलिटी ऐसी देनी पड़ती है कि रेगुलर कोई ना कोई बंदा पंगा वहां पे लेता ही रहे, एवरेज जो है मार्केट कैप आपकी बनी रहे, 24 आवर ट्रेड वॉल्यूम उतनी आती रहे। तो बहुत सारे जो टोकन अब लॉन्च होते हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज करते हैं, और वो जैसे जैसे जितनी भी वो ट्रांजेक्शंस करते हैं पर ट्रांजेक्शन जो मतलब ट्रांजेक्शन फी कटती है वो रिपल को वो इथेरियम को जाती है, और वो उसका ट्रेड वॉल्यूम कहलाती है, और जिसके कारण उसकी मार्केट कैप बनती है। थर्ड जनरेशन की ब्लॉकचेन अगर आप रिपल एक बार खोल दें, रिपल क्यों हिट है मार्केट में, रिपल मार्केट में हिट ये है कि 200 से ज्यादा बैंक वर्ल्ड के जो है वो रिपल की ब्लॉकचेन अपना रेमिटेंस सेंड करने के लिए यूज करते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये सारी बातें जो मैंने कही हैं बनाई बात कोई नहीं है, आप गूगल से पूछ लें, जाके विकिपीडिया से पूछ लें, गूगल से बैंक्स यूजिंग रिपल ब्लॉकचेन, तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें से आप क्लिक करें, 2019 से 2010 तक अपडेट क्या है, तो आपको यहाँ पे बैंकों की लिस्ट आ जाएगी कि कौन से बैंक, कौन कौन सा बैंक कब से ये कर रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक, बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, वर्ल्ड का कोई बैंक ऐसा नहीं दिखेगा। बैंकों ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना डाटा स्टोर करने के लिए और अपना रेमिटेंस सेंड करने के लिए कोटक महिंद्रा ने, इन्होंने अभी कर भी दी है शुरू, और आप नेट पे जाके ये देख सकते हैं, क्योंकि जो डाटा बैंकिंग का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसमें डाटा सिक्योर नहीं है, वो डाटा एडिट भी हो सकता है, बहुत सारे स्कैम होते हैं, बड़े सारे डेड अकाउंटों का किसी का पैसा उधर चला गया, बहुत सारे कोई कभी ललित मोदी आ गया, कभी कोई आ गया, बहुत सारे स्कैमर्स बीच में निकलते हैं। यहाँ पे अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर की हुई हर एक ट्रांजेक्शन नॉन एडिटेबल है और नॉन हैकेबल है, इसलिए अभी फर्स्ट अबू धाबी बैंक, ये जो यहाँ का जो एक सरकारी बैंक है जो UAE का, वो भी इसकी ब्लॉकचेन यूज करता है। तो आप कोई भी इस पे गूगल पे जाके देख लें कौन कौन से करते हैं, वो ब्लॉकचेन यूज करते हैं, और उनको ब्लॉकचेन करके जो भी ट्रांजेक्शन होती है, ट्रांजेक्शन फी आती है, वो रिपल को जाती है, वो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से उसका ट्रेड वॉल्यूम बनता है, इसलिए रिपल जो है मार्केट में ऐसे खड़ा है, इतनी बड़ी क्वांटिटी होने के बाद भी खड़ा है। उन्होंने इंडस्ट्री को सोल्यूशन दिए हैं, लेकिन ब्लॉकचेन जो JD उसकी ब्लॉकचेन है अपनी, वो सिर्फ एक दिन में 5 लाख ट्रांजेक्शन कर सकती है, रिपल की ब्लॉकचेन 1 सेकंड में 10,000 ट्रांजेक्शन कर सकती है।
लगभग 6 मिलियन ट्रांजेक्शन बनती है। 6 मिलियन ट्रांजेक्शन का मतलब हो गया कि लगभग 60-70 लाख ट्रांजेक्शन एक दिन में, 1 करोड़ ट्रांजेक्शन ट्रिपल की ब्लॉकचेन कर सकती है। लेकिन जेडी क्वाइन जो है, जेडी क्वाइन की जनरेशन करता हूं, जेडी क्वाइन की जो ब्लॉकचेन है वो 4th जनरेशन की ब्लॉकचेन है, जिसके अंदर 1st जनरेशन वाला पार्ट ट्रेडिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। कोई बंदा अपना क्वाइन लॉन्च करना चाहे, टोकन करना चाहे, हमारी ब्लॉकचेन रेंटल भी कर सकता है। और ये 2000 बैंकों को भी हम अपनी रिपल से ज्यादा वर्क एफिशिएंसी के साथ हम जो है अपनी ब्लॉकचेन दे सकते हैं। हमारी ब्लॉकचेन 1 सेकंड में 1 लाख तक भी ट्रांजेक्शन कर सकती है, अरबों ट्रांजेक्शन जो है रोज की हो सकती है। और जो लंदन ब्लॉकचेन सबमिट है, इसको भी आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, blockchainlondon.com पे विजिट स्पॉन्सर पार्टनर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जेडी क्वाइन लंदन ब्लॉकचेन के अंदर सिर्फ एक स्पीकर नहीं है, गोल्ड स्पॉन्सर भी है। गोल्ड स्पॉन्सर बहुत सारे नहीं होते जिनको टाइटल स्पॉन्सर बोला जाता है, तो आप एक उसके टाइटल स्पॉन्सर भी हो। तो जब 4th जनरेशन की ब्लॉकचेन आप वहां पे यूज करोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट बिटकॉइन है। जेडी क्वाइन का सिर्फ आप अगर अपने कंपटीशन कंपैरिजन करना है तो सिर्फ बिटकॉइन से करें, ये छोटे मोटे टॉयलेट क्वाइन टिश्यू क्वाइन से मत करें। ये रोज आते हैं रोज जाते हैं, टोकनों की कोई हैसियत नहीं होती। वो सिर्फ इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जाके अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करके कहते हैं हम टोकन है, हमारे टिकटें मिलती हैं जी, हमारे वीजे मिलते हैं जी, हमारे ये प्रोडक्ट मिलते हैं जी। क्या फायदा, आपने APIs लिया, इंडस्ट्री को तो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाया। जेडी क्वाइन की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को GNP टेक्नोलॉजी दे रही है, जिसके बिना अभी चलना ही नहीं है काम। ब्लॉकचेन वर्ल्ड की सबसे टॉप लेटेस्ट जो है वो दे रही है, और ये सारी चीजें गूगल के ऊपर पड़ी है, हमने अपनी प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाई। तो मैंने शुरू में कहा था कि सक्सेसफुल क्वाइन के लिए आपको एक BA सक्सेसफुल क्वाइन आपको क्या चाहिए, BA सक्सेसफुल क्वाइन आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट के पास टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी आपने देखी कि आपकी GNP टेक्नोलॉजी, माई क्रिप्टो बैंक और ये आपका ब्लॉकचेन, वो टेक्नोलॉजी कितने लोगों की जरूरत है। तो आपने देखा कि बैंक और ब्लॉकचेन 100% क्रिप्टो करने वाले लोगों की मजबूरी है, शौक नहीं है, मजबूरी है। और जो चीज मजबूरी होती है वो करनी ही पड़ती है। कुछ चीजें हम जो है वो शौकिया करते हैं, लग्जरी होती हैं, ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, ये जरूरत है। और एक मजबूरी पैदा कर दी कि आप इस इंडस्ट्री के जितने लोग क्रिप्टो के अंदर हैं वो ये यूज करेंगे तो ही मार्केट में बने रहेंगे। 4th जनरेशन की ब्लॉकचेन GNP टेक्नोलॉजी आप भी अगर रहोगे, आप देखो नोकिया एक बड़ा नाम, मोबाइल का नाम ही नोकिया होता था, मतलब हमें पता नहीं था कि मोबाइल होता है, जब नोकिया आया तो हम सब लोग नोकिया है। तो आज नोकिया कहाँ पे, नोकिया के CEO ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, जब माइक्रोसॉफ्ट अपना एंड्रॉइड लेके आया तो नोकिया के CEO ने टाई अप करने से मना कर दिया, कहता हम तो अपना ही ऐप डेवलप करेंगे, हम किसी का क्यों यूज करें। सैमसंग कुछ भी नहीं था, 13 चो ना 13 जो टोकरी वाले 12 चो कहते हैं ना सिद्धू साहब, ओना चो सीगा, सैमसंग के साथ उन्होंने टाई अप कर लिया। एंड्रॉयड एक नई टेक्नोलॉजी थी, नई रिवॉल्यूशन आई और ये स्क्रीन टच और ये और वो, उसकी एक गलती से सारे का सारा साला इतना बड़ा अंपायर जीरो हो गया। आज नोकिया को कोई नहीं पूछता, दोबारा भीड़ में मिल ही नहीं सकता। सेम सिचुएशन GNP है, एंड्रॉयड ठीक है, एंड्रॉयड 10 साल पुराना सिस्टम हो चुका है, अब चलेगी GNP। कोई बंदा नहीं चाहता कि मेरा जो है वो डाटा किसी के साथ शेयर हो। अभी आपके साथ डाटा, आप कहीं भी सेफ नहीं हो। आप गूगल के सामने जितनी मर्जी आप आज वीडियो देखते हो, आप जाके मान के चलो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो, आपने ब्लू फिल्म देखी, बच्चों को बीवी को नहीं बताना है, लेकिन आपकी सर्च हिस्ट्री में पड़ा कि आपने क्या क्या कांड किए। आपकी कोई भी बैंकिंग, आपके कोई भी पासवर्ड गूगल की रहमो करम के ऊपर सेफ है कि वो लोग हैक नहीं कर सकते। कोई हैकर आ जाए तो हम कहीं भी सेफ नहीं है। सर्वर हैक हो सकता है, आपका कोई भी अकाउंट हैक हो सकता है, बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। इस जगह पे आज आप खड़े हो, इस चीज को, इस हैक को, इस डर को जो समाप्त करेगी वो GNP टेक्नोलॉजी करेगी। और GNP टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मार्केट में कोई लेके आएगा तो पेटेंट प्रोडक्ट उसका कौन है, उसका पेटेंट किसका प्रोडक्ट है, वो है जेडी क्वाइन ऑनर्स का। तो वो टेक्नोलॉजी आपके पास है, वो ब्लॉकचेन आपके पास है। तो इन सारी चीजों के रहते हुए कितना ट्रेड वॉल्यूम आएगा, कितनी मार्केट कैप बनेगी, और जब मार्केट कैप बनेगी और जेडी क्वाइन का रेट आप इन सारी चीजों में डाल के देखो कि आने वाले 6 महीने में कहां पे जाएगा। फिर टोटल सप्लाई सिर्फ 84 मिलियन। तो सर जी इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, इस प्रोजेक्ट को अब आप देख लें, आप लोग कैसे देखते हैं, इसके अंदर आप इसको डाल के देखें कहां कहां पे कौन कौन सी चीज फिट बैठती है और आप लोग क्या कर सक किया जा सकता है इसके ऊपर। और यही सारी बातें हैं
कहने को और भी बहुत कुछ है टेक्नोलॉजी पर बेचने को, मैं तो मतलब 12 घंटे लगातार बोलता चला जाऊं तो मेरा मतलब मैटर खत्म नहीं होने है, तो आज के लिए शायद इतना काफी है। कोई क्वेश्चन है आपके तो मुझे बताएं सर, प्लान भी तो आप थोड़ा। हाँ तो रोमी एक बार प्लान आप कर दें, रोमी कर दें प्लान, चलो मैं करता हूँ प्लान भी, आज मैं करता हूँ, तू ही कर दो सर, तू ही कर दो। तो प्लान, प्लान का पीडीएफ मैं आपको देसी तरीके में प्लान करता हूँ नेटवर्क रोम वाला। मैं रोमी छोड़े, मैं वैसे प्लान करता नहीं होता, मैंने आज तक किसी कंपनी के साथ में प्लान देख के नहीं जुड़ता, मैं कंपनी की इक्विटी देख के चलता हूँ कि मेरे पास इक्विटी कितनी आएगी, क्योंकि प्लान प्लून आपको करोड़पति नहीं कर सकते। प्लान आपको क्या 10% डायरेक्ट 10% प्राइमरी कितने दे दोगे आप, 100 करोड़ का बिजनेस डाल दोगे, 200 करोड़ का डाल दोगे, 5-10 करोड़ आ जाएगा। लेकिन अगर 10-20-50-100 करोड़ कमाना तो आप ये सोचा करो कि जिस कंपनी में आप जा रहे हो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट आपके पास कैसे आए। अभी मैं मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक मैं आपको रोमी अभी ना वो बंद कर दो अपनी, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करना बंद कर दो और एक बार रिकॉर्डिंग भी बंद कर दो, थोड़ी अब बातें करेंगे अच्छी से।